students, today we start with Geography Chapter 1, Our Resources. In this chapter, we will be understanding what is resources, the value of the resources, and classification of resources, classification of natural resources, and last, how can we conserve our resources. Okay, so first we will start with what is resources. कई बार हम सुनते हैं कि resources, water is a precious resource, save your resources. So it means we are already familiar with this word resources. हम सिंपल एक मीनिंग निकालते हैं जब हम इस वर्ड को सुनते हैं तो कई बार जब हम इसे बहुत बार सुनने के बाद एक सिंपल सा मीनिंग निकालते हैं वो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि रिसोर्सेज कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए क्या रखती है बेनिफिट्स रखती है यूजेस रखती है ठीक है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज़ है चीज़ जो कि हम अपनी नीड को अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या है वो हमारे लिए रिसोर्स है रिसोर्स अकॉर्डिंग टू योर बुक रिसोर्स इज अ मोर और सोर्स फ्रॉम विच बेनिफिट और लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर प्रोड्यूसेस इस मीन्स को रिसोर्स एक ऐसा सोर्स है एक ऐसा मोर है जिसके ज़रिए हम अपने बहुत सारे बेनिफिट्स को प्रोड्यूस करते हैं या जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं We may define a resource as those gift of nature which can satisfy human needs. ठीक है हम resources को define कर सकते हैं कुछ एक ऐसी चीज़ जो कि हमें by nature दी गई है हमारे needs को हमारे human needs को satisfy करने के लिए Look around yourself and observe. You will be able to identify many types of resources. अपने आसपास हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि हमें अपने डेली लाइफ में हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक वाटर वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउसेस द फूड वी ईट एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम यूज़ करके अपनी नीड्स को क्या करते हैं फुलफिल करते हैं हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं डिज़ायर करते हैं ओके ये सारी चीज़ें जो अभी हमने सुना द वाटर वी ड्रिंक द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर हाउस द फूड वी ईट इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं और जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो एट द टाइम ऑफ यूजेस ये सारे यूजेस उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं ये सारे यूज जो हैं वो उन्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वैल्यू यही वैल्यू जो यूजर्स रिसोर्सेज को देते हैं वही वैल्यू जो है रिसोर्सेज की वैल्यू डिसाइड करती है रिसोर्सेज की वैल्यू तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूजेस दिस वैल्यू कुड बी इकोनॉमिकल एस्थेटिक एथिकल लीगल आर रिसोर्सेज हैज फोर टाइप्स ऑफ वैल्यू फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल वैल्यू इकोनॉमिकल वैल्यू वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फर्स्ट इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मीन्स आर्थिक मीन्स इन मॉनिटरी ट्रेंड्स ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको एक्सचेंज में मनी प्रोवाइड करती है आपके लिए एक मॉनिटरी वैल्यू रखती है वो हमारे लिए क्या होती है इकोनॉमिकल चीज़ होती है इकोनॉमिकल वैल्यू रखने वाली चीज़ होती है इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इज काउंटेड व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल पर्पस किसी भी रिसोर्स की इकोनॉमिकल वैल्यू हम कब काउंट करेंगे हम उसकी रिसोर्स की इकोनॉमिकल वैल्यू तब काउंट करते हैं जब वो रिसोर्स हमारे लिए टू टाइप्स के यूजेस रखती है फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एंड सेकेंड वन इज़ कमर्शियल पर्पस फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं प्रोडक्शन करते हैं जब वो क्रॉप्स उगाते हैं जो भी फूड लाइक वीट उन्होंने अगर एग्रीकल्चर में फील्ड में वीट उगाया तो हम उस वीट का क्या करते हैं फार्मर्स उस वीट का क्या करते हैं उस वीट का फार्मर्स क्या करते हैं उस वीट को फार्मर कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं और बाकी जो भी सरप्लस उनके पास बचता है उस सरप्लस को वो मार्केट में बेच देते हैं सोल्ड आउट कर जब उस सरप्लस को वो मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उनको उसके बगल में क्या मिलता है मनी मिलता है तो इट्स मीन जो क्रॉप्स हैं वो फार्मर्स के लिए हम सबके लिए रिसोर्सेज हैं वो फार्मर्स के लिए रिसोर्सेज हैं लेकिन वो फार्मर्स के लिए एक इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं क्योंकि वो उसको अपने पर्सनल और कमर्शियल पर्पस दोनों से यूज़ कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू है रिसोर्सेज की एसेटिक वैल्यू
aesthetic value, we have to clear the meaning of aesthetic value. Okay, basically aesthetic value hota kya? Aesthetic value means a word. Aesthetic word is used for appreciation of beauty. जब भी हम किसी भी चीज़ की खूबसूरती को सराहते हैं या उसकी खूबसूरती को देखकर appreciate करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए एक aesthetic value रखती है. Like sense of pleasure is a basic human instinct. और ये एक हमारी human tendency है कि जब भी हम कोई चीज़ जो है वो हमें खुशी देती है या कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो वो चीज़ जो है हम उसको सराहने लगते हैं. वो हमारी एक human tendency है. So things that give us a pleasure are also resources. तो इसीलिए वो चीज़ें जो कि हमें खुशी देती हैं या अच्छी लगती हैं वो भी हमारे लिए एक तरीके की resources है. For example, जैसे कि आप जो है छुट्टियों में कई बार आप घूमने के लिए मन बनाते हैं. आप कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें घूमने जाना है, पार्क में जाना है, मूवीज़ देखनी है या जो कुछ भी है. ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये हमारे लिए कैसे resources हैं, क्योंकि ये हमें देखने के बाद क्या हो रहा है, एक इन्जॉयमेंट की फीलिंग हो रही है, एक अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छा सा लग रहा है. और जब ये अच्छा सा जो हम लगता है कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. और जब ये हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, रिसोर्सेज बन जाता है. और इस तरीके से हमारी रिसोर्स जो है, एक सिंपल सी रिसोर्स भी हमारी एक एसेटिक वैल्यू रखती है. ठीक, द थर्ड वन इज एथिकल वैल्यू. Ethical value. The word ethical is taken from the ethics words. Ethics, which are known as a morals. Morals means naitikta. In Hindi, morals hum kisko kehte hain? Naitik ko. Naitik ko. When we recognize our responsibility to preserve natural resources for future generation, we attach ethical value to those resources. जब भी कभी हम अपनी responsibility को, जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी natural resource को अपने future generation के लिए prevent करते हैं, preserve करते हैं, तो obvious है वो resource हमारे लिए क्या है, एक ethical value रखती है. Like हमने बहुत, for example, हमने बहुत बार सुना होता है कि water is a precious resource. हम कई बार सुनते हैं, हमारे parents कहते हैं कि during brush close your tap को बंद करो. टैप बंद करो कई बार कहते हैं हमारे पेरेंट्स. और जब ये पेरेंट्स कहते हैं तो उस टाइम पर वो कहते हुए क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे वो पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपको सिखा रहे हैं, एथिक्स दे रहे हैं आपको कि आप पानी को सेव करो, क्योंकि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत प्रीशियस है. ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रिसोर्स में जब भी हमारे एथिक्स टच हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो वो रिसोर्स हमारे लिए एक एथिकल वैल्यू रखती है. लीगल वैल्यू. When a resource is limited, it becomes extremely valuable for us. जब भी कोई रिसोर्स हमारे लिए लिमिटेड होती है तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है. As soon as we make a law to protect the resources, we attach legal value to them. ओके, लीगल वैल्यू हम इसलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्सेज का हमने इकोनॉमिकल वैल्यू पढ़ लिया, एस्थेटिक वैल्यू, एथिक वैल्यू पढ़ लिया, एथिकल वैल्यू पढ़ लिया, लीगल वैल्यू भी होती है रिसोर्सेज की. कोई रिसोर्सेज लीगली भी बाउंडेड होती है तो यस, क्योंकि हम रिसोर्सेज जब लिमिटेड होती है तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज जब हमारे लिए लिमिटेड होती है तो वो वैल्यूबल हो जाती है. और वैल्यूबल चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो प्रोटेक्ट करने के लिए उन रिसोर्सेज को लॉ प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे कि हमने अभी सुना वाटर के बारे में, हमने सुना कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि टैप को क्लोज करो. ठीक है, अगर टैप को क्लोज करने के लिए वो बोलते हैं कि टैप क्लोज कर दो, आप अगर उस टाइम पर टैप क्लोज नहीं कर रहे हो, अपने नल नहीं बंद किया, तो आप ने नहीं बंद किया वो नल, तो एक तरीके से आपके एथिक्स थे आप नल को बंद करें. लेकिन अगर वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स आपको डांट कर या किसी तरीके से समझाते तो आप एक दिन नहीं बंद करेंगे, दो दिन नहीं बंद करेंगे, थर्ड डे आप उसको बंद करना सीख जाएंगे. किसी भी तरीके से, प्यार से, उसकी इम्पोर्टेंस समझाते हुए, किसी भी तरीके से आपको समझें. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक वाटर का हो गया, हम जंगलों के बारे में सुनते हैं, फॉरेस्ट के बारे में सुनते हैं, हमने बहुत सुना हुआ है डिफॉरेस्टेशन वर्ड, हमने सुना हुआ है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने सारे यूजेस रखते हैं और पेड़ जिस तरह से कटते जा रहे हैं, हमारे चारों तरफ हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, चारों तरफ हमें तरह तरह की डिसीज़ देखने को मिलती हैं. ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमें, हम सुनते हैं फ्लड आ गया है, ये सारी कहीं पर फायर लग गई है, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे
एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन जा रहा है, और हमें ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करता है, ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, और जब हमें ट्रीज ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रीज को बचाएं। हम तो ट्रीज को काट रहे हैं, और जब हम उन्हें काट रहे हैं तो फिर वो हमें कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन ट्रीज़ को सेव करें, तो इसीलिए जंगलों को काटना जो है वो लीगली बाउंडेड है, ठीक है। उस पर बाउंडेशन लगाई गई है कि बाय लॉ हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारी टू टाइप्स की होती है। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमें क्या होती हैं, द गिफ्टेड बाय द नेचर, जो हमें नेचर के द्वारा मिली हुई होती हैं। और मैनमेड रिसोर्सेज विच आर मेड बाय अस, जो कि हमारे द्वारा बनी हुई है। मैनमेड रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज अ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू अ नंबर ऑफ वेज ऑन डिफरेंट बेसिस। रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी नंबर ऑफ वेज में कई तरीके से हम अलग अलग बेसिस पर उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। Ever since the earth was inhabited, humans and other life forms have depended on things that exist freely in nature to survive. जब से हमारी पृथ्वी शुरू हुई है, जब से उस पर लोगों ने रहना शुरू किया है, आपके ever since the earth was inhabited, humans, जब से हमारा अर्थ डेवलप हुआ, लोगों ने उस पर रहना लगा, अदर लाइफ फॉर्म्स रहने लगी, ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक दूसरे पर डिपेंड हो गई, एग्जिस्ट, जिससे कि वो क्या कर सकें, वो फ्रीली अपने नेचर में सर्वाइव कर सकें। दीज थिंग्स, इन थिंग्स में आपके वाटर आता है, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और हमारे जीने की सारी क्या हैं, आधार हैं, हमारे बेसिस हैं। ऑल दीज आर नेचुरल एंड दे एग्जिस्ट इन नेचर। ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। इनको लाने में हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। हाँ, इनको बनाए रखने में हमारा क्रेडिट है, बट उनको लाने में हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये सारे के सारे अपने आप डेवलप हुए, ठीक है। हमने किसी ने भी इनको क्रिएट नहीं किया। वी टैप इनटू देयर सप्लाई टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू फंक्शन प्रॉपरली। हमने क्या किया है, हमने अपने सर्वाइवल के लिए इनको इस्तेमाल किया है, और साथ में इनके नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल कनेक्टेड इन अ वे। नेचुरल रिसोर्सेज सारी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देयरफॉर इफ वन इज टेकन अवे, इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल अदर। इसीलिए अगर एक भी ले ली जाती है तो क्या होता है, आपकी दूसरी की सप्लाई रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज लिमिटेड फॉर एन एरिया, वेजिटेशन, सॉयल, एनिमल, इवन द एयर इन दैट एरिया विल बी अफेक्टेड नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके किसी भी एरिया से पानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे उगना बंद हो जाएंगे, वेजिटेशन बंद हो जाएंगे, वहाँ की मिट्टी जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा, इवन जो एयर है हमारी वो भी उससे जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। हो गया अब भाई साहब, ये जितना हो गया ना।